आखिरकार क्या है महेंद्र सिंह धोनी और देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत का कनेक्शन? नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भारत के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत का कनेक्शन आखिरकार क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत ने ही 2 साल पहले टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए गए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सेना की प्रॉपर ट्रेनिंग देने की इजाजत दी थी। धोनी ने यह ट्रेनिंग करने का उनसे आग्रह किया था। जनरल रावत ने पूर्व भारतीय कप्तान धोनी के इस आग्रह को मंजूर कर लिया था। धोनी ने इसके बाद 2 महीने के लिए पैराशूट रेजिमेंट में ट्रेनिंग भी ली थी। दोस्तों, उस समय टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के दौरे पर जाने वाली थी। धोनी ने तब बीसीसीआई को बताया कि वेस्ट इंडीज दौरे पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वे अगले 2 महीने का वक्त भारतीय सेना को देना चाहते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान जनरल रावत ने धोनी को लेकर कहा था कि वे सेना में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, वे अन्य सैनिकों की ही तरह रक्षक की भूमिका निभाएंगे। जब कोई भारतीय नागरिक सेना की वर्दी पहनता है तो वो अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है जिसके लिए उसे वर्दी दी गई है। दोस्तों, जनरल रावत ने आगे कहा था कि धोनी ने बेसिक ट्रेनिंग हासिल की है और हम जानते हैं कि वे उस कार्य को पूरा करने में सक्षम है। आपको बता दें कि धोनी पैराशूट रेजिमेंट की 106 पैरा टेरिटोरियल आर्मी बटालियन की ट्रेनिंग का हिस्सा थे। इस ट्रेनिंग के दौरान धोनी ने आम सैनिकों की ही तरह पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट की ड्यूटी दी थी। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान धोनी के जूता पॉलिश करने की एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि तमिलनाडु में कुन्नूर के जंगलों में बुधवार दोपहर सेना का MI-17 VS हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये सेगमेंट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स के साथ।